वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती आशा ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये देखिए पूरी तरह से किचन की तैयारियाँ भी कर ली है खाना बनाने की। और इधर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इधर जो है हमारी चाय बन रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं चाय बना लेती हूँ और बच्चों को लंच बना देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने चाय पी ली है और अभी मैं खाना बनाने की तैयारियाँ करने जा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये अरबी है, इसको अरबी बोलते हैं। तो ये दूसरी वाली अरबी है, ये जो आती है वो वाली नहीं है। तो मैं अभी दिखा रही हूँ ये कैसे बनती है। और ये देखिए, इतनी सारी अरबियाँ यहाँ पे कट हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और मैं अभी बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये पेड़ के ऊपर लगती हैं, नीचे नहीं बैठती हैं। वो वाली अरबी होती है तो नीचे बैठती हैं, ये ऊपर लगती हैं। और फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कल का सामान है हमारा, मार्केट से आया हुआ है, तब से ऐसे ही रखा है, मैंने इसको अभी नहीं रखा हुआ है। और ये अचार का डब्बा जो रखा है, ये बच्चों ने अभी खा के यहाँ पे रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जो है इसको बना रही हूँ, कैसे बनती है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सिंपल सी सब्जी ये बनती है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फिर मैं कर लेती हूँ तैयारियाँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब्जी छौंकने की तैयारियाँ यहाँ कर ली है। और सबसे पहले मैं अरबियों को फ्राई करूँगी। तो हमारी कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है और इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने जो अरबी हमारी थी उसको मैं ऐड करूँगी और अच्छे से फ्राई भी कर दूँगी ताकि इनका बादीपन निकल जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी बादी होती हैं। और हमारी अरबी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी और जो मैंने प्याज और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, मैं अच्छे से इसमें पका लूँगी सारी चीज़ें डाल के। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पकने के बाद जो है मैंने जो मसाला घोल के तैयार किया हुआ है उसको डाल दूँगी ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने मसालों को ऐड कर दिया है क्योंकि इसमें सारे मसाले मैंने घोल के रख दिए थे। तो मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है और उसके बाद में जो कटी हुई अरबी है उसको मैं डाल दूंगी और इसमें अच्छे से मसाला जो है मैं मिला दूंगी ताकि अच्छे से मसाले मिल जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में मैं जो चावल और इस बेसन का पेस्ट है तो मैं इसको भी मिला दूंगी अच्छे से, और जब तक कि मैं चलाऊँगी तब तक ये पक नहीं जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिला के ये भी पक जाएगा, तभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी अरबी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है, मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं। और मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तो पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि क्या होता है ना कि ये अरबी थोड़ी सी टाइट होती हैं, इनमें जो है थोड़ा सा टाइटपन ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैं इसमें पानी ज़्यादा ऐड करूँगी, थोड़ा पकने में टाइम लेती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी और नमक जो है मैं स्वाद के अनुसार डाल दूँगी, और नमक डाल के इसको मैं ढक दूँगी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। तब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हुए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें कसर और रह जाएगी तो ये अब आराम से पक भी जाएंगी, क्योंकि पहले डाल देते तो पकने में दिक्कत हो जाती क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं। तो फ्रेंड, सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये अरबी जो है इस सीज़न में हमारे घर पहली बार आई हुई है, तो ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये पेड़ के ऊपर लगती है और नीचे इसके आरो बैठती है, जिसको आरो बोलते हैं, और ये ऊपर लगती है तो इसको अरबी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा लोगों का हो गया था, तो मैं साथ साथ ही मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बर्तन साफ करके ही आप लोगों से मिलती हूँ।
पेरेंट्स, उसके बाद में बच्चे स्कूल से आ गए थे तो हमने कहा चलो गेहूँ चक्की पे डलवा देते हैं। और काफ़ी वजन बोरी थी, उठाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये गेहूँ काफ़ी हैं, तो इसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे इसे गाड़ी से छोड़ आते हैं, लेकिन आज गाड़ी घर पे नहीं है तो ये साइकिल से ही जा रहे हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गरु वजन बोरी है, तो उठाने में हंसी भी आ रही थी यहाँ पे। तो हमने कहा चलो डाल आओ, समय से डाल दो चक्की पे, तो शायद आज पीस दें, क्योंकि घर में राशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कह रहे हैं कि चलो मैं कह दूँगा कि शाम तक पीस दे, लेकिन देखते हैं कि पीसता है कि नहीं पीसता है। वैसे तो कहते हैं कि हम रात में हम लोग पीसते हैं, दूसरे दिन देते हैं यहाँ पे, तो अभी बताएंगे कि देते हैं कि नहीं देते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बच्चे कितने ज़्यादा ढीठ होते हैं, कितने नीडर होते हैं। ये सर्फ जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है अभी नाले से इन लोगों ने निकाला था, एक नाला है हमारे साइड घर के पास ही में, उससे निकाला था। ये देख सकते हैं इतना बड़ा है और ये बिल्कुल नहीं डरते हैं। ये लोग जब यहाँ लेके आए तो मैं इतने जोरों से डर गई कि मैं, ये देख सकते हैं कितना भारी सांप है, ये देख सकते हैं आप लोग, देखने में इतना ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन ये बच्चे इतने ढीठ हैं कि इनको इतना बिल्कुल डर नहीं है इस चीज़ का कि ये सर कहीं काट ले। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको कैमरे में कैद कर लिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं शाम के 6 बज रहे हैं, ये देखिए शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी जो है आज हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मतलब कि राशन ख़त्म हो गया है। तो क्या बनेगा शाम को ये अभी तो सोचा नहीं है, वैसे तो देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि आटा भी चक्की पे, यानी कि गेहूं अभी चक्की पर गए हुए हैं पीसने के लिए, तो वो जो है आज रात में ही पीसेंगे। और अभी जो है मैंने कहा था कि जल्दी, मतलब जल्दी हो सके तो पीस देना, लेकिन वो कह रहे थे कि आज नहीं पीस पाएगा, कल ही मिल पाएगा, क्योंकि रात में हम लोग पीसते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सोचते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन मैं तब तक की एक काम कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जो है सुबह याद आया था लेकिन फिर से मैं भूल गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी जो है मलाई रखी है काफ़ी दिनों की, तो मैं इसकी जो है मक्खन निकाल लेते हैं। तो फिर निकाल लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और फिर सोचते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं। और आज तो है नहीं क्योंकि कुछ बनाएंगे नहीं तो भूखा ही सोना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी, और आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन लोगों को देखिए, इसके बाल देख सकते हैं आप लोग, इसके बाल देख सकते हैं कि यहाँ से इसने जो है फैशन किया है, फैशन वाले, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से पतली सी चोटी करके ऐसे बांध लिया है, देख सकते हैं अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए इसको देखिए, हाय 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 बोल रहा है। और फ्रेंड्स तो फिर मैं कर लेती हूँ काम, ठीक है, और इसका जो है मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स ये क्रीम हमारे पास 7-8 दिनों की रखी हुई थी, और मैं सोच रही थी कि मैं आज निकालूंगी कल निकालूंगी, लेकिन समय नहीं मिल पाता था। वैसे तो सुबह में याद आया था तो सबसे पहले मैं यही काम करने जा रही थी, लेकिन मैं फिर से दूसरे काम में लग गई तो मैं भूल गई थी। और अभी मैं शाम को याद आया कि चलो अभी क्रीम रखी हुई है तो मैं पहले उसको निकाल लेती हूँ, बाद में दूसरे काम करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रीम हमारी, मक्खन हमारा अच्छे से निकल चुका है, और क्रीम थोड़ी ही थी तो थोड़ा ही मक्खन निकला हुआ है, और ये जो पानी इसमें निकला हुआ है तो मैं इसका पनीर बना लूँगी अभी, और साथ साथ ही मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय आ गया है तो ये गर्म पानी से जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तो मैंने सोचा साथ ही साथ मैं साफ़ कर लूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो पानी रखा हुआ था इसको मैंने गर्म कर लिया है, और एक नींबू हमारे पास था तो मैंने इसको निचोड़ के डाल दिया है, क्योंकि मैं पहले सोचती थी कि शायद एक नींबू में ना हो पाए, लेकिन मार्केट से मैंने मंगवाया हुआ था लेकिन वो अभी आए नहीं थे, लेकिन एक ही नींबू में काम हो गया है, देखिए एक ही नींबू में सारा दूध फट गया है। तो ये उसी मक्खन का दूध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको सेट करके रख दूँगी, तो मैं इसको भी तहरी में डाल दूँगी, और इसका मैं क्या करूँगी
तो इसको मैं तहरी में ही डाल दूंगी। तो इसको अच्छे से इसका पानी निचोड़ दूंगी, ताकि काफ़ी समय हो गया था और खाना बनाने का भी समय हो गया था, तो इतनी जल्दी सेट नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इसको एक कपड़े से लपेट के और उस पर प्लेट ढक के और गरू सा जो है पत्थर मैंने सिलबट्टे का जो है मैंने रख दिया था, ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए, नहीं तो कोई हल्की चीज़ रखते तो ये सेट नहीं होता। और इधर ये मार्केट से आए हुए थे, तो सब्जियों में ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए थे, टमाटर और हरी धनिया पत्ती लेके आए थे। गोभी हमारे पास पहले की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले गोभी और आलू की तहरी बना लेंगे। तो गोभी आलू मैंने कट करके भी रख ली थी बनाने के लिए, फिर इन्होंने अचानक कहा कि चलो गोभी रख दो, गोभी मत बनाओ, गोभी कल बना लेना, और अभी जो है आप वो बना लो सोयाबीन और पनीर की तहरी बना लो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमसे कुछ बात कर रहे थे, और टमाटर देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स वही मैं तैयारियाँ कर रही थी, और वैसे तो मैं गोभी कट कर ली थी पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है तहरी बना लेती हूँ, क्योंकि गेहूँ तो हमारे चक्की पे पड़े हुए थे और गेहूँ नहीं पीस पाएंगे आज, वो कल ही पीस पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इधर चाय भी रख दी थी, इन्होंने कहा थोड़ी सी चाय बना दो, वैसे तो हम नहीं बनाते हैं, आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी बना लेते हैं, और मैं जो है नहीं पीती हूँ चाय, तो आप लोग देख कभी कभी पी लेती हूँ, ऐसे इतना भी नहीं, कभी कभी पी लेती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं चाय नहीं पी रही हूँ। तो फ्रेंड्स चाय हमारी बनके तैयार हो गई है, और इधर मैंने खाने की भी तैयारियाँ कर ली है, चावल वगैरह मैंने साफ करके अच्छे से रख लिए थे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पनीर भी हमारे अच्छे से सेट हो गया था और अच्छे से हो गया था। तो ये देखिए इतना सारा पनीर इसमें निकला हुआ है, तो इसको मैं तहरी में डाल दूँगी तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खाने में भी टेस्ट आ जाएगा, तहरी का दुगना टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और चाकू में हमारी हरी धनिया पत्ती लगी हुई है, तो वो देखिए पनीर में भी लग गई है, तो मैंने उसको दोबारा से धुल लिया है चाकू, क्योंकि मैंने नहीं ध्यान दिया। और फ्रेंड्स हमारे जो है पनीर मैंने कट करके अच्छे से रख लिया था, इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया था, अब मैं इसमें जो है सोयाबीन पहले मैं फ्राई करूँगी अच्छे से, और सोयाबीन फ्राई होके जो है मैं पनीर नहीं फ्राई करूँगी, पनीर मैं ऐसे ही डालूँगी, और सोयाबीन में अच्छे से फ्राई करके जो जो मसाले इसमें पड़ते हैं वो मैं ऐड कर दूंगी, और इसमें मैं बनाऊंगी तहरी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते जाइए और एंजॉय करिए, और मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। हमारी तहरी बनके तैयार हो गई है, और ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आके खा लीजिए, और इसमें मैंने सोयाबीन और जो है थोड़ा सा पनीर मैंने ऐड किया हुआ है, और काफी टेस्टी लगेगी, और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने सबको खाना, सबके लिए मैंने खाना लगा दिया है, और अभी मैं खाने जा रही हूँ, और आप लोग भी आके खा लीजिए। तो फ्रेंड्स
अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स अब मैं भी खा लेती हूँ और आप लोग भी आके खा लीजिए। और हमारी तहरी जो है काफ़ी टेस्टी बनी है, और कुछ बनाने के लिए था नहीं हमारे घर में, तो मैंने सोचा चलो तहरी ही बना लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं बनाएंगे तो भूखा ही सोना पड़ेगा, तो इससे अच्छा तहरी ही बना लेते हैं। क्योंकि जो है हमारा गेहूँ जो है चक्की पर पड़ा हुआ है तो वो कल ही बाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ किसी अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। Oh, oh, oh.